अगर फ्रेंड्स आपके पास है इनफिनिक्स का स्मार्ट 6 और इस फोन में फ्रेंड्स आप 3 बटन नेविगेशन की सेटिंग को करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे मेरे फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं 3 बटन नेविगेशन, इनको हटा के आप चाहते हैं इस फोन में जैसे नेविगेशन को लगाना तो कैसे लगा सकते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में कुछ छोटे छोटे स्टेप रहेंगे जिन्हें फॉलो करके बहुत आसानी से आप इस फोन में जैसे नेविगेशन को लगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए, फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, इसके बाद आपको यहां से स्क्रॉल करके नीचे की साइड आ जाना है। सबसे लास्ट में आएंगे आपको देखने को मिलेगा यहां पर सिस्टम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। सिंपली आपको अब यहां पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको इस फोन में जैसे नेविगेशन सेट करना है तो यहाँ आइए और इस पर क्लिक कीजिए तो आपके इस फोन में जैसे नेविगेशन सेट हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बैक बटन यहाँ से गायब हो गए और जैसे नेविगेशन लग गए। इनका यूज़ करने के लिए आप बैक बटन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इस साइड भी आपका बैक बटन आ जाता है। अगर आपको यहाँ पर बैक करना है बिल्कुल आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करा के आप डायरेक्ट यहाँ से होम पेज पर आ जाएंगे। अगर आपको रिसेंट ऐप्स निकालने हैं, मतलब जो आपने बैकग्राउंड में जो आपके ऐप्स काम करते हैं उनको आप चलाना चाहते हैं तो इस तरह से आप प्रेस करके रखिए तो आपके जितने भी ऐप्स ओपन होंगे वो यहाँ पे खुल जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप जैसे नेविगेशन को लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।